हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो हम यहाँ पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लेते हैं। तो हम इसका एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जो सेंटर से पास हो रही है लाइन उसे हम एक्सिस कहेंगे। एक्सिस के ऊपर एक पी पॉइंट ले लेते हैं। इस पी पॉइंट पर देखना है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी पहुँची, किसकी वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से, लूप की वजह से। तो हमने बायो सेवर्ट्स लॉ लगाना है यहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेशन बायो सेवर्ट्स लॉ की है। और मैंने आपको बताया बायो सेवर्ट्स लॉ जब भी लगाना होता है आप करंट एलिमेंट काटते हैं। जो करंट एलिमेंट है उसको हमने नाम दे दिया डीएल। इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंची वो डीबी यहाँ पर पहुंची, और सिमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर भी हमने डीएल काटा, उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंची वो डीबी पहुंची। अब यहाँ से यहाँ तक हमने ज्वाइन किया, पी और डीएल के बीच का डिस्टेंस एस होता है। ये जो हमने अपना रेडियस ले लिया सर्कुलर वायर का वो ए ले लिया, और ये जो डिस्टेंस ले लिया वो हमने आर ले लिया। अब इनके बीच का एंगल हमने फाइव मान लिया। तो अगर ये दो लाइंस के बीच का एंगल फाइव मान रहे हैं तो इनके परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल फाइव होगा। देखिए आर है, आर का ये परपेंडिकुलर है, और एस का परपेंडिकुलर है डी बी, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल फाइव होगा। सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी ऐसे ही करेंगे हम, ये भी फाइव होगा एंगल, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल फाइव होगा। तो अब हम डी बी, क्योंकि फाई एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो हम डी बी के दो हिस्से करेंगे, दो कंपोनेंट्स करेंगे। एक हो जाएगा डी बी साइन फाई ये, और ये डी बी कॉस फाई। जो भी फाई के साथ जो कंपोनेंट टच होता है उसे कॉस बोलते हैं, तो ऊपर वाला को डी बी कॉस फाई हो जाएगा और ये डी बी साइन फाई। सिमिलरली इसके भी कंपोनेंट करेंगे, ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई और ये हो जाएगा डी बी साइन फाई। अब ये देखिए, ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये ऐडअप हो जाएंगे। ये दो ही नहीं ऐडअप होंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स कटेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स जब कटेंगे तो यहाँ बहुत सारे डी बी साइन फाई आएंगे। तो हम ऐड कैसे करेंगे, हम ऐड उसका इंटीग्रेशन करके करेंगे, डी बी साइन फाई। अब ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल आई है पूरी सर्कुलर वायर की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर। अब हम डी बी की वैल्यू लेंगे बायो सेवर्ट्स लॉ के, क्योंकि हम एप्लीकेशन किसकी कर रहे हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ की। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ एस लिया है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन डी एल और पी जो है वह एस है, ना कि आर है। और साथ में लिख देंगे साइन फाई। यहाँ थीटा हम 90 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा 90 लिया तो साइन 90 किसके इक्वल हो जाएगा, 1। तो हमारे पास बच जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन फाई अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर। अब हम फाई की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू डालते हैं। ये वाला ट्राइंगल लेंगे साइन फाई। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज एस है, तो ये ए बाई एस हो जाएगा। हम साइन फाई की जगह क्या पुट करेंगे, ए बाई एस पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय म्यू सॉरी 4 पाई एस स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया है, बाहर निकाल लेंगे जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, ए बाहर, 4 पाई एस क्यूब बाहर, और इंटीग्रेशन डी एल पे। जब हम डी एल का इंटीग्रेशन सर्कुलर वायर पे लेंगे तो आएगा 2 पाई ए। तो ये 2 पाई ए हो गया, म्यू नॉट आई ए 4 पाई एस क्यूब। देखो अब क्या बना, ये 2 से 2 गया हमारा, पाई से पाई गया, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एस क्यूब। अब आ रही है हमारी एस क्यूब की वैल्यू निकालने की। हमें फिगर से दिख रहा है कि एस की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एस इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप अंडर द रूट को कैसे लिखते हैं, अंडर द रूट को रेस टू द पावर 1/2 लिखते हैं। तो हम एस की जगह पुट करते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, एस की जगह हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2, इसका होल क्यूब भी आएगा क्योंकि ये 3 पहले से भी है। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक्सिस पे। तो ये हमारी एक्सिस की हो गई। अगर हम क्या करते हैं, आर को 0 ले लेते हैं। अगर आप आर को 0 ले लेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेंटर पे पहुँच जाएंगे। आर को 0 लीजिए तो बी किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर इंटू 3/2। ये 2 से 2 गया आपका, तो आपका और क्यूब है, ये हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब। ए कट गया तो ये ए आ गया नीचे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए जो है आपका रिजल्ट आ गया। तो ये